नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र रावत। बता दें कि हम मौजूद हैं रांची के राजभवन के समक्ष और एक और जहां ऑरेंज कलर और व्हाइट कलर की दीवार दिखाई पड़ रही है वह राजभवन का है, तो दूसरी और जो है रमणीक रांची जो लिखा हुआ वह दीवार जो है वह जाकिर हुसैन पार्क का है। और बता दें कि यही वह जगह है जहाँ जो दीवार दिखाई पड़ राजभवन का जो टेम्पू स्टैंड है उसी पास जो है यह जो है देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं यहाँ खड़ी रहती हैं और आज भी जो है कुछ महिलाएं देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं जो है इस टेम्पो के पीछे हैं और यह महिलाएं जो है यहीं से जो है देह व्यापार का जो है धंधा पूरे झारखंड में कह सकते हैं चलता है और यह फिलहाल देह व्यापार का जो धंधा है यहाँ वह जो है फिलहाल बंद इलीगल है और बड़े पैमाने पर हालांकि यहाँ पे अब यूँ कह सकते हैं कि राजधानी में देह व्यापार जो है चलने लगा है, लेकिन फिलहाल अब भी कई सेक्स वर्कर्स हैं वह जो है खुलकर इस व्यापार में शामिल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की पाबंदी है और कानून का शिकंजा है, इसलिए यह जो है देह व्यापार जो है नहीं सुचारू रूप से चल पा रहा है। हालांकि समय के साथ साथ जो है सेक्स वर्करों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजभवन के पास आज आपने आपको हमने दृश्य दिखाया जहाँ पे लगभग 10 से 12 की संख्या में जो देह व्यापार से जुड़े जो महिलाएं हैं वहाँ बैठी हुई थी और इस दौरान जो है वह अपना जो है काम कर रही हैं, या यूँ कह सकते हैं कि यह काम जो है डेली चलता है। यह देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं जो है सुबह जो है लगभग 8 बजे अपने काम पर आ जाती हैं और उसके बाद शाम के लगभग 8 बजे तक यह जो है रहती हैं। इस देह व्यापार से जुड़ी लगभग अब इस धंधे में कहीं ना कहीं सैकड़ों महिलाएं जो है अब आ चुकी हैं और बड़े पैमाने पर राजधानी रांची के बीचों बीच राजभवन के पास जो है वहां से देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि रांची के पटेल चौक सरकारी बस स्टैंड के पास भी जो है कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं जो है शाम को इकट्ठा होती हैं और लालपुर के कुछ इलाके पर भी जो है वहां पे भी देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं जो है कह सकते हैं कि इकट्ठा होने की सूचना मिलती है। हालांकि लालपुर वाले इलाके में इसलिए वह कंफर्म नहीं है क्योंकि वहां पे हमने कई बार पुलिस का शिकंजा रहा है, पुलिस कई बार उस इलाके से हॉस्टल से और या कह सकते फ्लैट से बड़े पैमाने पर जो है देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं को उन्होंने पकड़ा है, लेकिन कहीं पे ऐसा इलाका नहीं है जिस तरह से राजभवन के पास है। जैसे राजभवन के पास क्या है कि यहाँ पे देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं जो हैं वहाँ खड़ी होकर बैठ कर जो है कस्टमर को बुलाती हैं और इसके बाद जो है यहाँ से वह लोग जो है अपने होटल या फिर अपने रूम की ओर जाते हैं। हालांकि यह कितना चार्ज लेती हैं यह हमें नहीं मालूम है, हालांकि कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में वह चार्ज भी हम आपको बताएं और आगे की जो तथ्य है जो सच्चाई है वह भी आप तक हम ला सकें। फिलहाल इस वीडियो में शुक्रिया। यह अंतिम जो वीडियो आपके पास स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है यह रांची डीसी ऑफिस का है जहाँ बड़े पैमाने पर जाम लगा हुआ है। जाम की समस्या आम है और आम के साथ साथ अब आम देख सकते हैं यह जो दृश्य है वह यहाँ रांची डीसी का है जो ऐसे जो आम लोग जो है अब कहने लगे हैं जाम की समस्या आम हो चुकी है क्योंकि जाम की समस्या से लोग जो है यहाँ की सरकार जो है निजात दिलाने में पूरी तरह से फेल है।